हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से चाइना अपनी जीडीपी को हर 8 साल बाद डबल करने के काबिल रहा है और उसने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, मर्चेंडाइज ट्रेडर और दुनिया का लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डर है। और इसी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से चाइना यूनाइटेड स्टेट्स का मेजर कमर्शियल पार्टनर है। चाइना यूएस का लार्जेस्ट मर्चेंडाइज ट्रेडिंग पार्टनर है और यूएस की जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स है वो चाइना से आती है और चाइना यूएस की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइनीज नेशन जो कि कुछ साल पहले आपस में सिविल वार्स और जंगें लड़ते थे, वो कैसे दुनिया की एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 1979 से पहले जब चेयरमैन माओ ज़ेडोंग की हुकूमत थी तो उस वक्त चाइना के पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो स्टेट कंट्रोल थी। और उस वक्त चाइना का जो इकोनॉमिक आउटपुट था उसको स्टेट ही कंट्रोल और डायरेक्ट करता था, जिसके तहत स्टेट ही प्रोडक्शन गोल सेट करता था, प्राइसेस को कंट्रोल करता था और रिसोर्सेज को अलोकेट करता था। 1950s के दौरान चाइना के जितने भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म्स थे उनको लार्ज कम्यून्स में जो है वो कलेक्टिवाइज कर दिया गया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए 1960s और 70s में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल पे फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट्स की, जिसके नतीजे में 1978 तक मोस्टली जो चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती थी वो सेंट्रली कंट्रोल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में ही होती थी। और उस वक्त जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज और फॉरेन इन्वेस्टेड फर्म्स थी उनको चाइना में बैन किया गया था। और उस वक्त चाइनीज गवर्नमेंट का एक ही मकसद था कि चाइना की इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए और फॉरेन ट्रेड को इस हद तक लिमिट किया गया था कि चाइना वही चीज़ें बाहर से मंगवाता था जो कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो इन्हीं पॉलिसीज की वजह से चाइनीज इकोनॉमी में बहुत बड़ी डिस्टर्शंस आई, जैसा कि मोस्ट ऑफ दी जो इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स थे उनको स्टेट ही जो है वो कंट्रोल कर रहा था। तो उस वक्त कोई ऐसे मार्केट मैकेनिज्म्स नहीं थे जिनके तहत रिसोर्सेज को इफ़िशेंटली अलोकेट किया जाए और इसी वजह से जो फर्म्स थी, वर्कर्स थे या फार्मर्स थे, उनके पास कोई इंसेंटिव्स नहीं थे कि वो प्रोडक्टिव बने, क्योंकि उनको पता था कि जितनी भी वो मेहनत करेंगे तो स्टेट ही उनको अपने हिसाब से रिसोर्सेज अलोकेट करेगा, उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 1953 से 1978 तक चाइना की जो रियल जीडीपी है उसकी ग्रोथ 6.7% थी। चेयरमैन माओ ज़ेडोंग की लीडरशिप के तहत चाइना की इकोनॉमी को बहुत ही इकोनॉमिक डाउनटर्न्स देखने पड़े, जैसा कि 1958 से 1962 तक का ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें चाइना में एक बहुत ही बड़ी कैदशाली आई और 45 मिलियन लोग मारे गए। और उसके बाद चेयरमैन माओ ज़ेडोंग की लीडरशिप के तहत चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन भी आया 1966 से 1976 तक, जिसकी वजह से चाइना में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल केओस आया और चाइना की इकोनॉमी को भी बहुत ही नुकसान हुआ। 1950 से 1978 तक चाइना की जो जीडीपी है वो डबल हुई। 1976 में चेयरमैन माओ ज़ेडोंग की डेथ हुई और 1978 में चाइनीज गवर्नमेंट ने जो चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स के तहत रिफॉर्म करने का सोचा और वेस्ट के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाइनीज इकोनॉमी को ओपन किया गया, इसी उम्मीद पे कि इससे चाइना में एक इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी रेज होगा। 1979 से शुरू होते हुए चाइना ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स थे उनके लिए प्राइस और ओनरशिप इंसेंटिव्स शुरू किए, जिसके तहत वो अपनी जो क्रॉप यील्ड या फिर अपनी जो लैंड थी उसको फ्री मार्केट में बेच सकते थे। इन रिफॉर्म्स के तहत चाइनीज गवर्नमेंट ने 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश किए, जिनका मकसद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना और जो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनको चाइना में इम्पोर्ट करना था। एडिशनल रिफॉर्म्स जो कि बाद में स्टेजेस में आई, उनका मकसद जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थी चाइना में उसको डिसेंट्रलाइज करना था, जो कि पहले स्टेट के कंट्रोल में, बहुत सारी जो स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस थी उनका कंट्रोल जो है वो लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिया गया, जिनको फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स पे कम्पीट और ऑपरेट करने के लिए इजाजत दी गई और जो चाइना के सिटीजन्स थे उनको भी जो अपने बिजनेसेस हैं स्टार्ट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए और गवर्नमेंट की तरफ से उनको इनकरेज किया गया और चाइना में कुछ कोस्टल रीजन और सिटीज को एज ओपन सिटीज डेजिग्नेट किया गया, जिसमें
फ्री मार्केट रिफॉर्म्स को एक्सपेरिमेंट किया गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स और ट्रेड इंसेंटिव्स भी दिए गए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जो स्टेट प्राइस कंट्रोल थे उनको भी खत्म किया गया। चाइना की जो पूरा ट्रेड मैकेनिज्म था उसको भी लिबरलाइज किया गया, जो कि बाद में जाकर चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस का सबब बना। चाइना की गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया ताकि वहाँ पे एक कंपटीशन का माहौल हो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सके। चाइना ने इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया और देखा कि कौन सी पॉलिसी जो है वो काम कर रही है और कौन सी काम नहीं कर रही। तो जो पॉलिसी चाइना की इकोनॉमी के लिए फेवरेबल थी उनको दूसरे पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी इम्प्लीमेंट किया गया। जब चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए तो उसकी इकोनॉमी ने एक फास्ट पेस पे जो है वो डेवलपमेंट आई है। 1979 से 2018 तक चाइना की जो रियल जीडीपी है उसमें 9.5% जो है वो एवरेज ग्रोथ आई। इसका मकसद है कि चाइना ने 8 साल के बाद अपनी जीडीपी को डबल किया है। 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन आया उसका चाइनीज इकोनॉमी में भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। 2008 से 2010 तक चाइना की जो रियल जीडीपी ग्रोथ थी वो 9.7% थी। हालांकि आगे जो 6 कंसेक्यूटिव साल थे उसमें जो चाइना की जीडीपी है उसमें कमी आई। 2010 में चाइना की जीडीपी ग्रोथ 10.6% थी जो कि 2016 में 6.7% तक जा पहुंची। आईएमएफ के 2019 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक चाइना की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो अगले 6 साल तक डिक्रीज होगी जो कि 2024 में 5.5% तक जा पहुंचे। चाइना में जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आई इकोनॉमिस्ट के ख्याल में उसकी दो बड़ी मेन रीजन है, पहली लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और दूसरी रैपिड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से चाइना की इकोनॉमी में एक ज्यादा एफिशिएंसी आई जिसने इकोनॉमिक आउटपुट को बूस्ट किया और इकोनॉमी में जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की रिसोर्सेज थी उनको भी बढ़ाया। हिस्टोरिकली चाइना में हाई रेट ऑफ सेविंग्स रहा है। 1979 में जब चाइना में रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए तो चाइना की जो डोमेस्टिक सेविंग्स थी वो 32% ऑफ दी टोटल जीडीपी थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसके तहत जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन थी उसको डिसेंट्रलाइज किया गया तो उनकी वजह से ही जो चाइनीज हाउसहोल्ड और कॉर्पोरेट सेविंग्स थी उसमें इजाफा हुआ और इसी वजह से चाइना की जो ग्रॉस सेविंग्स है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो अमंग दी मेजर इकोनॉमीज हाईएस्ट है। डोमेस्टिक सेविंग्स की जो लार्ज लेवल है उसने चाइना को इतना इनेबल किया है कि वो जो हाई लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनको सपोर्ट कर सके। कुछ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो प्रोडक्टिविटी गेंस हैं जैसा कि जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है उसमें एक इंक्रीज आया, ये एक दूसरा मेजर फैक्टर है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में। जो प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट्स आए उसकी सबसे बड़ी वजह थी जो रिसोर्सेज को जो है वो एलोकेट किया गया और ऐसे सेक्टर्स में जो कि प्रीवियसली स्टेट कंट्रोल थे जैसा कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल चाइना में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी उससे उसकी प्रोडक्शन बूस्ट हुई। चाइना की जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है उसकी वजह से जो नॉन स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनमें इजाफा हुआ जिन्होंने चाइना में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को शुरू किया एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस स्टेट कंट्रोल फर्म्स थी जिनमें वर्कर्स या फिर फर्म्स के पास कोई काम करने का इंसेंटिव नहीं था क्योंकि वो स्टेट कंट्रोल थी, क्योंकि वो जितना भी काम करती उनको जो रिसोर्सेज हैं वो अगेन स्टेट ही एलोकेट करता और मेनली जो चाइना का एक्सपोर्ट्स सेक्टर था उसको भी कॉम्पिटेटिव फोर्सेज के तहत एक्सपोज किया गया यानी कि उसमें भी ज्यादा कॉम्पिटिशन इंक्लूड किया गया और जो लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनको भी ये इजाजत दी गई कि वो भी एंटरप्राइजेज जो है वो सेट कर सकते हैं और उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और चाइना में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई उससे चाइना में उसके साथ ही न्यू टेक्नोलॉजी भी आई जिसने जो चाइना की एफिशिएंसी है उसको बूस्ट किया और करंट जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसने ये ख्वाहिश दायर की है कि वो चाइना का जो फास्ट ग्रोथ का डेवलपमेंट मॉडल है उसको साइडलाइन करना चाहते हैं और स्मार्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं जो कि एनर्जी इंटेंसिव और हाई पॉलिटिक इंडस्ट्रीज पे डिपेंड न करता हो बल्कि हाई टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और सर्विसेज पे ही डिपेंड हो। तो फ्रेंड्स वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।